मस्ट मॉर्निंग, और अब वक्त हुआ है जानने का कि हमारी आगे वाली जिंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। शादी होगी, होगी तो कब होगी, कितने बच्चे होंगे, हमें नौकरी कब मिलेगी, बाहर कब सफर होगा और बहुत कुछ। किस्मत का हाल में मॉर्निंग मुस्तफा इलाही साहब हमारे साथ है। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अरे हाय, मुझे तो बैठे बिठाए यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स में एक शायर मिल गए हैं। मैं अभी इंट्रोडक्शन में बता रही थी अपने ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स देखते हैं कि उस दिन आपने एक हमें शेर सुनाया था, उसमें मतलब लाल हो गए थे पूरे, आपको अंदाजा नहीं है। चले आज की जो हमारी मस्त मॉर्निंग का ये सेगमेंट है किस्मत का हाल का, हम शुरू करते हैं खूबसूरत शेर से। देखें, शायरी से मुझे लगाव है, ये बात दुरुस्त है एक हद तक। शेर पसंद है मुझे, थोड़ा सा पर्सनल है, मतलब ये कि शुरू से पसंद है। ये मैं बहुत कम अक्सर दोहराया करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मस्त मॉर्निंग है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इसलिए हम आपने पूछा। तो ये खेल हमने फकत हारने को खेला है, ये खेल हमने फकत हारने को खेला है, तेरी अना के लिए हम तुझे जिता देंगे। हाय, इतना प्यार, ये होता है सच्चा आशिक है, माशाल्लाह। ये देखें, इतना जबरदस्त, ये सारे आशिकों के लिए है जिनकी माशूकाएं वहां है। जल्दी जल्दी हमें कॉल करें, इसके साथ हम एक मस्त सी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मायरा। मिसेज आसिफ कैसी हैं? जी मैं बहुत ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम सुबह से देख रही हूँ, जब से कॉल मिला रही हूँ, होल्ड पे थी काफी देर से। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग, आखिरकार मेरी आपसे बात हो गई, थैंक यू, आपने होल्ड किया, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और आपका प्रोग्राम मैंने आज ही देखा है, आपके सेगमेंट भी बड़े अच्छे हैं और थैंक यू। आप किस्मत का हाल जानना चाहेंगी जल्दी से? करती थी लेकिन मुझे नहीं पता था होस्टिंग भी इतनी अच्छी कर लेंगी। हाय, ये मुझे भी नहीं पता, पता नहीं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बस हम तो मस्त मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं। ईरानी साहब से मैं बात कर सकती हूँ? बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ। जी जी कहिए। मुझे अपने हस्बैंड के मुताबिक पूछना था कि उन्होंने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन किसी बैंक से कोई ऑफर अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन वो हम काफी परेशान है, पहले हम उधर ही होते थे लेकिन अब यहाँ आने के बाद हमें ये है कि दोबारा चले जाएं, तो आप प्लीज काइंडली ये बता सकते हैं? शोहर का नाम बताइए, तारीख पैदाइश बताइए। मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, अंदाजा एज बता दें, एज कितनी है? जी इस वक्त माशाल्लाह 50 इयर्स तो है। ठीक है, और फुल नेम क्या है? आसिफ इनाम सिद्दीकी। आसिफ इनाम सिद्दीकी, प्लीज आप बताएं कि हो जाएगा। सवाल क्या है कि कहाँ बैंक में ऑफर हुई है इनको कहीं? जी बैंक में इन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन उधर से कोई ऑफर नहीं आई, मतलब अभी कुछ अभी जवाब नहीं आया। जी जवाब नहीं आया, आप प्लीज बता सकते?